हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो अभी मैं गोवा में हूँ और हिमाचल से गोवा आ गया मैं, क्योंकि हिमाचल में बहुत ठंडी था मनाली में, और मैं अभी गोवा में आ गया हूँ। और गोवा में काफ़ी गर्मी है बेसिकली, और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे भी ठंडी होती है भाई। मतलब जैसे आज रात को तो ठंडी था और सुबह का टाइम भी तो ठंडी बहुत होता है, और अभी मैं बीच में आ गया हूँ भाई, सुबह का टाइम पर, मॉर्निंग टाइम पर। और अभी मैं थोड़ा घूमने जाता हूँ, मतलब बहुत टाइम पहले आया था मैं बीच पर, अभी तक मतलब 5-6 दिन हो गए यहाँ पे आके मेरे को, और मैं बीच पे नहीं आया हूँ क्योंकि दिन को तो गर्मी होता है वैसे भी, और सुबह मेरे को उठने का मन नहीं करता क्योंकि सुबह यहाँ पे ठंडी होता है। तो आज मैंने प्लान बना लिया मतलब घूमने का, और आ गया बीच पे भाई। बीच पे रेस्टोरेंट वगैरह बहुत है, और सुबह का टाइम है, मतलब डॉगी डॉगी बहुत दिखेंगे इधर, ज़्यादा कुछ तो देखने को मिलेगा नहीं सुबह। मतलब जो भी वॉक करने आता है सुबह सुबह दौड़ने आता है, और सुबह और शाम का टाइम बीच के लिए बढ़िया होता है। दिन पे तो बहुत गर्मी होता है, जो स्विमिंग करने वाला वही आता है दिन को, अदरवाइज दिन को कोई नहीं आता है। अभी मैं भी थोड़ा मतलब जाऊंगा लास्ट तक बीच में, और सुबह सुबह देखते हैं। अभी तो धूप भी नहीं आया भैया, जैसे धूप आ जाता बीच में तो मतलब उतना सही नहीं होता धूप, क्योंकि गर्मी हो जाता पूरा। और एक तो शाम का टाइम सही रहता है, मतलब बीच में जब सनसेट रहता है उस टाइम मतलब बैठने का बढ़िया मज़ा आता है, मतलब और एक सुबह मतलब चलने का मज़ा भी रहता है भाई। यहाँ भी इतनी बड़ी बोट तैयार हो रही है भाई, देख रहे बहुत बड़ा। और तो बाकी यहाँ पे छोटी छोटी नावें चलती है, जैसे जो मछली पकड़ने वाली होती है छोटी छोटी। मतलब इस बीच में बहुत सारे लाइफ गार्ड बैठे होते हैं, देखो एक जैसे यहाँ पे बैठा है और एक यहाँ पे बैठा है, मतलब बीच में, मतलब आपको इस बीच में पूरे एरिया में कम से कम 7-8 लाइफ गार्ड देखने को मिलेगा, और कोई बीच में चला जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा सेफ्टी यहाँ पर रखी है, हर जगह बीच में सेफ्टी रखी होती है, जैसे लाइफ गार्ड रखे होते हैं यहाँ पर भाई। आपको बीच साइड में दुनिया भर के रेस्टोरेंट मिल जाएंगे भाई। सुबह सुबह ठंडी है भैया, जैकेट लगाने का आके आना पड़ता है मेरे को। तो भाई देख लो यहाँ पे डब्बा बनाया है यहाँ पे बैठने के लिए, यहीं पे लाइफ गार्ड बैठता है, ऊपर से छत दिया हुआ, क्योंकि दिन को मतलब बहुत ज्यादा धूप होता है, इसलिए थोड़ा सा बचने के लिए। एक यहाँ पे देख रहे छोटा सा ये वाला, इसमें भी बैठता है भाई लाइफ गार्ड, देख रहे बोले इसमें भी छत दिया हुआ है ऊपर से, देखो मस्त है। और कोई यहाँ पे सुबह सुबह फोटो शूट कर रहा है। और देख लो ये वाली जो बोट राइड होती है ये, मतलब इसमें कम से कम 10 से 12 लोग जा सकते हैं, जैसे 3000-4000 में दूसरे बीच में ले जाता है घुमाने के लिए। इसको भी ट्राई करूंगा भाई कभी। एक तो भाई इस बीच में मतलब सुबह सुबह आओ, चाहे दिन में आओ चाहे रात में आओ, मतलब ज्यादातर गाय और डॉगी वगैरह बहुत देखने को मिलेंगे भाई। यहाँ देखो कितने कुत्ते पड़े हैं यहाँ पे, देखो बहुत देखने मिलते हैं यार डॉगी यहाँ पे। देखो जो ये लकड़ी होती है वाली, और ये वाली देखो इससे मतलब बोट वगैरह आगे घसीट के ले जाता है पानी में, जैसे ये वाला हो रहा आगे, इसको घसीट के पानी में ले जा रहा है भाई। अभी दिखाता हूँ आगे आपको। देखिए इसको सीट के ले गए पानी में, पानी में ले गए भाई उसको, चले गई बोट देख लो पानी में, अब मोटर से चलेगी बोट आगे आगे, और जितनी भी यहाँ पे बोटें लगी हुई है पानी में जाती है इसी तरह जाती है भाई आगे पीछे। ये वाला बोट कितना परफेक्ट रखा देख लो, मतलब यहाँ से उतारेंगे इसको नीचे, यहाँ से नीचे, यहाँ से आगे आगे पानी तक ले जाएंगे इसको, और फिर पानी में गई बोट। देख लो बीच में भी थोड़ा गंदगी देखने को मिलेगा, बस थोड़ी देर में क्लीन कर देगा यहाँ पे आने वाले जो क्लीन करते हैं यहाँ पे आंटिया, वो क्लीन कर देते थोड़ी देर में। देख लो भाई यहाँ पे गाय वगैरह, गाय बैल वगैरह बैठे हो गुट बना के,
और जैसे किसी के मतलब घर या किचन में घुस जाते हैं मतलब यहाँ के गाय वगैरह, तो मतलब वहाँ की तो दवाई निश्चित है भाई, क्योंकि जहाँ पे घुसते हैं मतलब ऐसे दवाई करते हैं अंदर, जो भी ऐसा कुछ खा लेते हैं भाई अंदर का, क्योंकि यहाँ के थोड़े भूखे होते हैं भाई जो बीच साइड के, मतलब इनको खाने के लिए कुछ चाहिए होता है, अगर घुस गए तो फिर खतरनाक ही खा लेते हैं। पीछे देखना भाई भाई, मेरे को जाना लास्ट। अभी तो सुबह का टाइम है, अभी तो सनराइज भी नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर में सनराइज हो जाएगा यहाँ से देख लो, और तब मतलब धूप में गर्मी हो जाता है। दन 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 दन। इस बार तो वैसे देखा जाए तो इस बार गोवा में ठंडी भी है भाई, जैसे सुबह और शाम बहुत ठंडी होता है, मतलब शाम को तो सुबह तो ठंडी होता है, बट जब सनसेट का टाइम होता है शाम को तब भी बहुत ठंडी होता है भाई। मैंने तो रात में भाई दो दो मतलब कंबल डियोड वगैरह डाल के सो गया था भाई, नहीं तो ठंडी बहुत था भाई। देख लो सनराइज हो रहा वहां से। तो भाई इस साइड मतलब क्राउड ज्यादा रहता है और यहाँ पे सैंड बेड वगैरह बहुत लगाया हुआ, देख लो सैंड बेड वगैरह। और इस साइड क्या एरिया है, क्योंकि इस साइड थोड़ा प्लेन एरिया है बीच का, और उतना अंदर पानी भी खेलता नहीं है जो भी मतलब स्विम करने जाता है, और यहाँ देख लो क्योंकि इस साइड मतलब नॉर्मल बीच है और स्विम करने वाले भी बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे मतलब वाटर एक्टिविटीज होती है वो इस साइड बहुत ज्यादा होती है। अभी आगे जाके दिखाते हैं, आगे थोड़ा प्लेन एरिया है बीच का, वहां पे बढ़िया है, देख लो पूरा सनराइज हो गया भैया, अब दिख रहा है थोड़ा सा येलो येलो। देख लो अभी मैं लास्ट एरिया में आ चुका हूँ, मतलब लास्ट में पहुंचने वाला हूँ अभी, और यहाँ पे आपको पत्थर देखने को मिलेगा मतलब बड़े बड़े, अगर इससे भी लास्ट में चले जाता हूँ तो यहाँ से मतलब वहां से पूरा बीच दिखता है यहाँ इस साइड वाला। और अभी चलूंगा आगे आगे, और एक गाड़ी घूमती रहती है भाई यहाँ पे मतलब सेफ्टी के लिए, मतलब देखती रहती है बीच में मतलब कोई आगे जा रहा आगे तो नहीं जा रहा जाने, अभी आ रही है देख लो देख लो, लगभग लोचा है यहाँ देखो। अभी तो भाई मैं लास्ट बीच की तरफ जा रहा हूँ, मतलब जैसे मतलब लास्ट में एंडिंग होता है वहीं पे जा रहा हूँ, और अभी तो वो सनराइज भी हो गया, और यहाँ पे भाई देखो अभी कैमरे भी लगा लिए इतने बड़े बड़े, जो टावर दिख रहा है आपको इसमें कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, और उसके आगे वाला टावर दिख रहा है इसमें हूटर वगैरह लगा हुआ है, जैसे कोई मतलब जैसे बीच से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं कोई एमरजेंसी में, तो हूटर को बुझा के निकल जाते हैं बाहर, कोई कभी कभी एमरजेंसी होता है तो होता है, अदरवाइज नहीं होता है। इसके आगे वाली साइड बोटे लगी हुई है, जो मतलब जैसे सुबह चले जाते हैं मछली पकड़ने, मतलब यहाँ पे जो भी मछुआरे होते हैं वो सुबह चले जाते हैं मछली पकड़ने, जैसे रात जैसे कोई 3-4 बजे रात को, मतलब दिखता नहीं है अंधेरा ही होता है, बट उनको जाना होता है अपना काम, जो भी मतलब काम होता है हर किसी आदमी का काम होता है ऐसा, वो चले जाते अपने काम पे फिर दिन को आ जाते हैं मछली पकड़ के। मतलब यहाँ पे हर जगह कैमरा लगा है यार, बहुत ज्यादा कैमरा लगा है यहाँ पे, इस होटल के बगल में 2-3 कैमरा लगा है, और यहाँ पे उसके आगे भी है, यहाँ पे मोटर बाइक रखा आगे, और इसको भी भाई देख लो 16 से 4 होता है ऊपर वाले जो कैमरे वगैरह लगाए हैं इसमें होटल वगैरह, यहाँ पे बहुत लगा हुआ, यहाँ पे भी देखो कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, और यहाँ पे भी ये तो कैमरा नहीं है शायद, मतलब इसमें भी कैमरा लगा हुआ शायद देखा जाएगा यहाँ पे, हाँ इसमें लगा हुआ देख लो यार। कितने बड़े दिखता है
तो भाई मैं इस बीच के लास्ट छोर पे हूँ अभी, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जंगल भी आगे देखो, और यहाँ से सनराइज हो रहे हैं, और यहाँ पे बोटें लगी हुई थोड़ी बहुत, और मेरे पीछे देख लो पत्थर पत्थर है, देख लो यहाँ से पूरा पत्थर पत्थर वाला एरिया भाई। मतलब जैसे मैं पहले यहाँ पे आता था, मतलब पहले मैं मतलब बहुत बार इधर आता, जैसे दिन को भी आ जाता है गर्मी में, और यहाँ पे बैठता मेरा मतलब यहाँ पे बढ़िया फेवरेट था भाई। यहाँ से मतलब पूरा बीच दिखता है, यहाँ पे जब मतलब दिन का थोड़ा डूब जाता है तो यहाँ से पूरा बीच दिखता है, तो बढ़िया दिखता है यार, शानदार दिखता है। देख लो पत्थर कितने बढ़िया दिखते हैं इसमें, ये पानी देख लो कहाँ से आ रहा है ऊपर से, किसी काम का नहीं है। लोग यहाँ पे बैठने आते हैं सुबह सुबह, लगता है सीने सीने सीने। पहले तो मैं किसी दोस्त के साथ आता था, मतलब दोस्त आ जाते थे, और अब तो सुबह का टाइम है, वैसे भी दोस्त मतलब सोए होते, कोई आते है कोई आते नहीं, कोई मतलब उठा के भी उठते नहीं है भाई सुबह सुबह, इसलिए मैं अकेले आ जाता हूँ भाई, अकेले भी सही रहता घूमने के लिए, इसमें कोई दिक्कत की बात तो होती नहीं है। देख लो भाई लगता है बहुत बड़े बड़े पत्थर है इधर, अभी जैसे यहाँ पे मतलब धूप लग जाता है, तो धूप लगने के बाद मतलब यहाँ से जो स्टोन से मतलब पूरा व्यू दिखता है भाई यहाँ से, देखो पूरा बीच का, तो काफी बढ़िया लगता है भाई मेरे को। ये पत्थर देख रहे हो पुल भाई, ये भाई इससे आगे जाने का रास्ता है, बट मैं ऊपर जंगल में तो नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा सा आगे रह गया कवर करने को। भाई अभी मैं जंगल में क्यों नहीं जाता हूँ, क्योंकि कोई बोलते हैं यहाँ पे लेपर्ड का मतलब लेपर्ड वगैरह बहुत होते हैं इधर, लेपर्ड के नाम पे भी यहाँ पे जगह है बहुत, थोड़ा डर लगता है जंगल में मतलब होते हैं इधर, इसलिए मैं अकेले मतलब जंगल में नहीं जाता अभी, पहले तो चला भी जाता था, पहले मेरे को मालूम नहीं था उतना, अब मैं छोटे से बीच पे आ गया हूँ भाई दूसरी साइड। यहाँ से मतलब दूसरा एरिया दिखता है देख लो, यहाँ पे भी घना घना जंगल है भाई, देख लो यहाँ पे टूटी फूटी नावें पड़ी है देख लो, छोटी छोटी वाले जो वैसे मजे करने के लिए होती है, और यहाँ पे भी छोटी मोटी नावें लगी लास्ट में, मतलब टूटी फूटी होती है यहाँ पे, ज्यादा नहीं होती है, और इसके ऊपर चढ़ने के बाद देख लो भाई बराबर यहाँ से अच्छा दिखता है, काफी बढ़िया दिखता है। मेरे साइड मेरे को इस साइड जाना भाई, लास्ट साइड में यहाँ से वहां तक दिख नहीं रहा यहाँ से। मैं एक बार पहले दोस्त के साथ आया था, वहां पे गया था उसको लास्ट पत्थर पे, अभी जाने के लिए नहीं है वैसे, मतलब पानी है थोड़ा, उस टाइम थोड़ा कम पानी था और क्रैब वगैरह ज्यादा है। लगता है तेरे डिंग चिंग 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 चिंग, ये वाला घास काफी बड़े दिखता है अगर दूर से देखा जाए तो बहुत बड़े दिखता है, ये डुप्लीकेट पुल यहाँ का, और सही है चलने के लिए बहुत बढ़िया। घर जो लागे सुनसान जंगल में लेपर्ड निकल जाए तो क्या करे, कुछ भी हो सकता है,
हो सकता है, मेरे पीछे के पत्थर देखो। अभी हो सकता है ऊपर भी जा सकता है, इससे ऊपर भी टॉप पे है कुछ, ऊपर से तो मतलब व्यू वगैरह भी अमेजिंग दिखता है भाई, पर मैं थोड़ा डर लग रहा है अंदर से, मतलब अकेले अकेले कहीं जा पड़े, निकल जाए कोई मतलब जंगली एनिमल निकल जाए तो मेरी फिर सिटी पिटी गुल हो जाएगी, इसलिए ऊपर नहीं जा रहा हूँ अभी, मैं जा भी सकता हूँ। तो भाई मैं यहाँ पे, एक अंकल थे वो मतलब फिश वगैरह इकट्ठा कर रहे थे, पकड़ के लाए थे जो भी है, और मैंने उनसे रास्ता पूछ लिया यहाँ से ऊपर जाने का। वैसे मेरे को रास्ता मालूम है यहाँ से जाने का, मतलब जाते हैं, बट मैंने कंफर्म कर लिया, जैसे मतलब लेपर्ड वगैरह जंगली जानवर वगैरह होते हैं ना, तो बता दिया उनको, उन्होंने बोला वैसे तो नहीं है यहाँ पे अभी, और क्योंकि ऊपर आपको मतलब लोग मिलेंगे बहुत ज़्यादा, बट मिलता कोई नहीं यार, मतलब जाते हैं जो भी मतलब थोड़ा शांत माहौल चाहते हैं, मतलब बढ़िया हवा चाहते हैं ऊपर जाके, वो लोग जाते हैं, उतना ज़्यादा लोग कोई नहीं होता। मैं बहुत पहले आया था इधर, मतलब एक बार में 3 4 बार आया, वैसे कोई ऊपर मिल देखने को नहीं मिलता है, इक्का दुक्का आदमी देखने को मिलता है। और वही इस जंगल में मतलब बीच बीच में अजीब सी आवाजें होती रहती है, और मेरे को थोड़ा डर लगता है भाई। हाँ अभी मैं जा रहा हूँ एक सुनसान जंगल पे, और अयो तो भाई ये वाला रास्ता दूसरे बीच पे जाता है, इससे आगे एक और बीच है, और अगर आपको पूरा व्यू देखना है यहाँ से गोंडा बीच का, तो आप इस वाले रास्ते को चूज करोगे, आगे से मतलब दूसरा एरिया भी दिखता है, मतलब बहुत बढ़िया तरह से एरिया दिखे, दूसरा वाला एरिया दिखेगा, और मतलब बढ़िया फ्रेश फ्रेश एयर देखने को मिलेगा आपको। हाँ थोड़ा थक गया हूँ मैं, अरे यहाँ पे पूरा जंगल है, थोड़ा डर लगता है यार, पर पूरा सुनसान सुनसान घना जंगल, कहाँ से कोई आ जाए तो कोई मालूम नहीं, बट एक आदमी देखने को मिलेगा, आएगा, मैं भी पहले आता था, एक तो दिख रहा मेरे को आगे। यहाँ से भाई कुछ इस तरह देखने को मिलता है, मैं पहुंच गया हूँ लास्ट पे, अब भी ये मेरे यहाँ का फेवरेट प्लेस है वैसे भी बैठने के लिए, थोड़ा डर लगता आने के लिए। और ये वाला पेड़ दिख रहा है यार, किस कौन से स्टार का पेड़ दिख रहा है इधर, अभी खतरनाक पेड़ है भाई, यहाँ से पूरा गोंडा बीच दिखता है भाई मेरे को, कुछ और दूसरा याद आ रहा है। लल 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 लल, बड़े बड़े पत्थर, और यहाँ से ऊपर पत्थर पे जाता था, ऊपर वाले पत्थर पे, और यहाँ से आपको बोटे वगैरह दिखेगी जो मतलब दूसरे डॉल्फिन देखने जा रहे हैं। वाह 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 वाह, देख लो यहाँ पे भी 2 3 बोटे होती है, जैसे मतलब जो मतलब बोट में बैठना चाहता है, जैसे सुबह सुबह बोट पे बैठ के चले जाता है, उनके लिए भाई अगर सुबह सही है, नहीं तो शाम को सनसेट सही है, सनसेट देखने के लिए ले जाते हैं, और नहीं तो सुबह, क्योंकि दिन में कोई मतलब ही नहीं जाने का, मतलब दिन में गर्मी होता है या दिन को मतलब कोई जाने कोई वजह नहीं है, अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, वैसे बहुत गर्मी होती है दिन में, और देखने का मजा कुछ भी नहीं होता है। और मैं इस साइड आ गया हूँ भाई, इस साइड से बहुत बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं, हम पहले आए थे एक दोस्त के साथ, तो हम यहाँ से ऊपर नीचे पूरे पत्थर में गए थे। हवा चल रही है यहाँ पे भी बढ़िया ठंडी ठंडी, बट मेरे को भी ठंडी ठंडी हवा की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ से आगे चलते भाई। थोड़ा सांप वगैरह ना मिल जाए इसके अंदर,
इसमें गड्ढे गड्ढे बहुत है भाई, यहां से दिख रहा है एकदम अमेजिंग लुक। यहाँ पे अगर आप सुबह या शाम आते हो तो सही है, दिन में तो बहुत गर्मी होता है यहाँ पे, मतलब बैठने लायक नहीं होता। जैसे आप मोबाइल वगैरह लेके आओ तो पूरा मतलब पूरा वार्म हो जाता है, और वो भी चलता नहीं सर ढंग से। फिर सुबह या शाम आओगे तो फिर बहुत बढ़िया है भाई यहाँ पे बैठने के लिए, मतलब ठंडी ठंडी हवा चलती रहेगी और गाना सुन सकते हो। जैसे मेडिटेशन करने वाले आते हैं यहाँ पे, जो मतलब थोड़ा अलोन अलोन रहता है वो यहाँ पे आते हैं यार। फॉरनर को देखा मैंने यहाँ कि अकेले कोई बैठा रहता है, कोई सोया रहता है, कोई गाना सुनता है, कोई कुछ भी करता है, कोई मेडिटेशन करता है, बहुत देखा है। यहाँ से बोट वगैरह आ रही भाई, जो मछली पकड़ने वाली भी आ जाती है अभी, और जो जिसको लेके जाते हैं रेंट पे वो भी आ जाती है अभी। यहाँ से पूरा बीच दिखता, अभी तो नहीं दिख रहा है क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा अभी उतना धूप भी नहीं खिला है। अभी थोड़ा चल चल के भाई कसम से खाना खाने की हो रही मेरे को सुबह ही अभी। अभी तो बस हो ही गया ब्लॉग मेरा खत्म, और कुछ तो यहाँ पे दिखाने के लिए नहीं है। अब किसी दूसरी बार ही आऊँगा तब दिखाऊंगा आपको। जब मैं यहाँ पे दूसरी बार आऊँगा तो आपको दूसरे वाले साइड लेके जाऊँगा। दूसरे वाले साइड भी एक छोटा सा बीच है, बट वहाँ पे अकेले जाने में थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा डर लगता है अकेले जाने में। और यहाँ का तो मतलब इतना ही व्यू था जो भी हमें आपको दिखा दिया, और वीडियो भी लंबा हो गया अभी। अभी मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।